दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। मैं इस चैनल पर हाउसवाइफ से रिलेटेड व्लॉग, टिप्स और रेसिपीज़ और होम मेकिंग और खटी मीठी कहानियाँ और थोड़ा बहुत सिलाई से जुड़ी हुई वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरी तबीयत मतलब ख़राब होती है तब मैं क्या करती हूँ, क्या हॉस्पिटल, कब हॉस्पिटल जाती हूँ और जाना ज़रूरी था कि नहीं था, मतलब अभी तक मैं जो भी करती हूँ वो भी सारी चीज़ें हर एक मतलब दिन के व्लॉग में मैं शेयर करते रहूँगी। अभी कल ही मैंने गर्म पानी के बारे में शेयर किया था ना, उसका बचा हुआ हिस्सा भी आज मैं बताऊँगी आपको। तो और भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं कल है ना कपड़े धोकर डाली, शाम में लगभग 7 बजे के नज़दीक में सूखने डाली, मतलब 1 बजे तक बारिश नहीं आया। रात में हम लोग बाहर ही बैठे थे, आज संडे है ना, तो फिर थोड़ा लेट नाइट तक जागे तो भी जमता बोलकर, वैसे भी लेट नाइट तक ही जागते हैं, तो रुके थे तो तब तक कपड़े अच्छे खासे हवा खाए गए, फिर अंदर लेकर जाकर डाली, सूख गए। लेकिन आज सुबह से तो इतनी ज़्यादा बारिश है, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के और अभी थोड़ा सा खुला है। देखिए वैसे तो बादल काफ़ी ज़्यादा है पर बारिश नहीं है, वही अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। कपड़े सूख गए, स्कूल ड्रेस वगैरह था ना, फिर नहीं तो और परेशानी हो जाती थी। और आज थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, सुबह जब उठी थी ना तब इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, ऐसे 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 मोटा मोटा हो गया था। तो चलिए, आज संडे है तो घर में नॉनवेज होता है और मतलब मेरे बड़े लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2-3 बार बनता था हफ्ते में। अभी हम लोग भी है ना वेज पर ही ज़्यादा है, मैं और मेरा छोटा लड़का तो वेज ही ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉनवेज का कैसा, ज़रा सा शेरवा बोलते हैं ना, सालन थोड़ा सा हो गया तो हम लोगों को जम जाता है। और एक बार है ना मटन ख़राब आया था, मतलब उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है ना, वैसा आया था, तब से पूरा पातरी साहब भी बंद करके छोड़े हैं। आधा किलो मटन लाए तो 3 दिन खाना पड़ रहा है, लेकिन आज 1 kg मटन मंगवाए हैं तो फिर उतना ख़त्म तो नहीं होगा, किसी हालत में ख़त्म नहीं होगा। 2 टाइम खाने के बाद भी कल मंडे मॉर्निंग भी खाना पड़ेगा, तो इस वजह से है ना मैंने क्या किया है, थोड़ा सा निकाल के रखा है जो जो किया है। चलिए आपको अभी बताती हूँ। देखिए अभी मेरे बड़े लड़के का फ़ोन आ रहा है। ये क्लिप सुबह 7 बजे का है, देखिए बारिश कितना ज़्यादा होकर पूरा आंगन भीग गया है। और आज तो मैं रोप देखने नहीं जाऊंगी, कल ही बहुत ज़्यादा रोप आए थे, देखिए गमले में कितने दिख रहे हैं ना, वैसे ही मटके के फले किए, बीन्स के, भिंडी के, सब छोटे छोटे रोप दिख रहे थे। लेकिन कल से कंटिन्यू 24 घंटे बारिश हो रही है, क्या पता क्या जल जाएंगे, क्या रह जाएंगे। वैसे अभी मटन आना बाकी है, यूसुफ ट्यूशन को गया है, आज संडे है तब भी उसका पेपर था, तो 11:30 बजे तक आ जाएगा। आने के बाद सीधा खाने को मंगेगा, 10-15 मिनट ही रुकेगा, तो तब तक चलिए हम चावल का तड़का लगा लेते हैं। देखिए तेल डाला मैंने, मुझे लास्ट का तेल है ना थोड़ा सा छान कर यूज़ करना पसंद है। एक प्याज कट करके डाली, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया, गैस का फ्लेम कम कर लिया। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 15-20 लहसुन की कलियां डालकर कूट रही हूँ। ये तब का तब अदरक लहसुन कूट कर डालते हैं ना, इसका तो टेस्ट माशाल्लाह कुछ हटके और अलग ही आता है। और हम जो पेस्ट डालते हैं ना वो तो अलग ही है, हमारी काम की कोताही बोल सकते हैं, या फिर जब गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा बचत में जल्दी से काम कर लेने का तरीका बोल सकते हैं, पर यही तरीका सही है। अगर आपके पास टाइम है तो तब का तब ही ज़रूर डालें। देखिए 1/4 गरम मसाला डाला मैंने चम्मच, और 1 चम्मच नमक डाला है, चावल का डबल पानी डाला है, पानी उबलने के बाद चावल धोकर डाला है, और 1 चम्मच डालडा डाल रही हूँ। ये डालडा डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर बड़े खानों में डाला जाता है, हम लोग कहते हैं वो टेस्ट नहीं आया ना
तो अगर हम ये सारा डालकर बनाएंगे ना तो टेस्ट सही आएगा। देखिए चावल पक गए और मैंने थोड़ा सा केसरी रंग डाला है, ऊपर से ढक दिया, भाप की वजह से चावल पर रंग अच्छे से चढ़ जाता है। और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हार्म हो जाएगा। देखिए हफ्ते में एक बार या दो बार तड़का लगाते हैं तो एक बार घी डालेंगे, एक बार डालडा डाल लेंगे, देखिए चावल कितने परफेक्ट बने हैं ना। चलिए चावल बनकर दम ही हुए थे कि मटन भी आ गया है। चलिए मटन का प्रोसेस तो आपको सब दिख ही जाएगा वीडियो में, बाकी इंग्रेडिएंट भी बताती रहूँगी। चलिए मैं बता रही थी ना सर दर्द के बारे में, सर दर्द जब बहुत होता है, हमारे भवें जब दुखते हैं ना तो हमको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो गई होती है, मतलब पित्ता बोलते मालूम है, जिसकी वजह से खट्टे खारे उल्टियाँ होती हैं, कड़वी किसी किसी को नहीं होती हैं। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी की गोली खाते हैं, सर दर्द की गोली खाते हैं, वो वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फूल जाती है और बॉडी पेन भी बहुत होता है। तो क्या करें, पहले अगर हमें जल जल कर रहा है, सर दर्द कर रहा है ना, वो आम्लपित्त दो तीन पानी ग्लास पानी पीकर गिरा देंगे, दो तीन दिन गिराएंगे, हल्के हाथ से उल्टी करेंगे, इतना ज़ोर से पेट में से गिराएंगे नहीं कि पेट दुखने लगे। तो उसके बाद अगर आपका सर दर्द नहीं कम हो रहा है तो फिर दूसरी वजह है। देखिए मैं ये कल मसाले लाई थी ना, कल मार्केट गई थी तो वही मसाले डालकर आज मैं ये मटन की ग्रेवी बना रही हूँ। देखिए मैं बाहर के मसाले है ना लाती तो हूँ, एक बार दो बार यूज़ कर लेती हूँ, बाद में मम्मी के पास या फिर मम्मी के पास तो कम, मम्मी के पास लेके भी गई तो मम्मी एक चम्मच वगैरह काट कर मुझे ससुराल के लिए ही दे देते हैं। मेरा काफ़ी बड़ा ससुराल है ना, तो मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, वहाँ हर सामान ख़त्म हो जाता है, पर मुझे है ना पर्सनली ये बाहर के पैकेट वाले सामान यूज़ करना पसंद नहीं है। देखिए ये मटन का सालन तो काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी बना था, पर मैं जैसा पकाती हूँ ना उस तक नहीं पहुँचाता। मेरा सालन है ना 90% टेस्टी बनता है, ये 100% टेस्ट बना था। मुझे लगता है वो चाइनीज साल्ट टेस्टिंग पाउडर बोलते हैं ना, हल्का ये मसाले में होता ही होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ कितना भी परफेक्ट और कितना भी अच्छा बना लें, बाज़ार की बराबरगी नहीं कर सकते हैं। वैसे जहाँ का टेस्टी खाना मिलता है मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, वैसे आप मेरे बाकी रेसिपीज़ फॉलो करेंगे ना तो आप बोलेंगे आपका भी तो कितना टेस्टी है बोलकर। चलिए बस मुझे यही बताना था, अगर आप पैकेट का मसाला यूज़ करते हैं तो कम से कम करें। देखिए सालन बनने तक भी इतना ज़ोर बारिश हो रहा है, कंटिन्यू बारिश है, और हमारा घर है ना सिटी से 16-18 किलोमीटर दूर है और बीच में एक छोटी सी नदी लगती है, आपने इससे पहले के वीडियोस में देखे होंगे। ऐसा अगर ज़्यादा बारिश होता है ना तो फिर नदियाँ भर जाती है, स्कूल वो साइड है ना तो फिर मुझे डर लगने लगता है। देखिए पानी से पूरा आंगन भर गया है और आज सुबह से मेरा सर दर्द तो इतना ज़्यादा हो रहा है। देखिए मटन का सालन कितना परफेक्ट बन गया है और सच में टेस्टी भी बना था, और ये बारिश के आवाज़ की वजह से इधर उधर से पनाले गिर रहे हैं और बारिश गिर रहा है, पत्तियों का आवाज़ मतलब इतना ज़्यादा शोर है, उसकी वजह से है ना मेरा सर दर्द और भी बढ़ जा रहा है। देखिए ये यहाँ महाराष्ट्र में ऐसे लगाते हैं मटन का सालन की प्लेट, एक प्लेट में छोटे से सालन और पीस होंगे और एक साइड चावल रोटी प्याज मूली और ककड़ी भी लगाते हैं, अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास है तो आप प्लेट में लगा देना, प्लेट ज़्यादा सजी हुई दिखेगी। देखिए दिखने में भी कितना परफेक्ट लग रहा है, अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे ना तब भी आपको भी परफेक्ट ही मिलेगा खाना। मुझे लग रहा है यूसुफ़ की पढ़ाई लेना ज़रूरी है, देखिए पढ़ाई लेने के लिए बैठी हूँ मैं, मेरा चश्मा ढूंढ रही हूँ, वो पेंसिल ढूंढ रहा है, वो मैक्सिमम चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, मेरे हस्बैंड भी शायद नोटिस करे, बोल रहे थे रानी उसको छोड़ मत, ले ले पढ़ाई बोलकर। मैं एंडिंग में लेना सोची थी पर एंडिंग में मराठी वगैरह है ना ज़्यादा हो जाएगा, चलिए आज से ही शुरू कर देती हूँ। नहीं उसमें रखे वो चुभता नहीं चुभता।
ये पेंसिल नहीं, वो चलती नहीं। बोला बाजी जा उस पर, देख टेबल पर। क्या पूछेंगे उसे, पूछे सो है ना, पहले पूछू ना उसे। लेसन तो बहुत आगे का है, ये सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है। सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेसन है। पहले का भी पूछता है, टेंथ है तो इतना आपको पता है ना। हां वो सब भी पूछने वाली, चलिए यहां से शुरू करेंगे। दोनों दिवस नारायण सुरवे 1926 2016 हां 2010 साल और 16 कौन का 2010 आज संडे है ना, तो मेरे हस्बैंड देर से नहाते हैं, वो नहा रहे हैं और बाथरूम में से उनका बोलना चालू है, रानी ऐसा करो, रानी वैसा करो। खुद तो कभी पढ़ाई नहीं लेते हैं, हम दोनों के पीछे लगे रहते हैं, तुम दोनों ऐसा करो वैसा करो बोलकर। दोनों दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोनों दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। मैं जब ओरल लेने बैठती हूँ ना, मेरा बड़ा लड़का भी काफ़ी डर जाता था, अम्मी तुमको सुनाना बोले तो ही डर लगता है बोलकर। अभी मेरे ये छोटे लड़के के चेहरे पर भी देखिए हवाइयाँ उड़ रही हैं, वो बोल भी रहा है, अम्मी क्या पूछते क्या मालूम डर लग रहा बोलकर। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मुझे हिंदी, मराठी, कन्नड़, उर्दू लैंग्वेजेस आते हैं। मैं जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ नहीं पाती हूँ, पर समझा पाती हूँ, लैंग्वेज मुझे समझती है। और मैंने टेंथ तक जहीन की पूरी पढ़ाई ली है और ट्वेल्थ में भी ली है। और जब वो नीट का करता था ना, तो फिर मेरे पास आके बैठता था, अम्मी ज़रा सा ओरल लेओ जी, मेरा ये लेसन हुआ है, देखो जांच करो बोलकर। फिर जब मैं पूछती थी, उसको आंसर नहीं आता था ना, इतना झगड़ता था, तुम्हारा दिमाग कहाँ से चलता, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते अम्मी तुम बोलकर। जब मैं पढ़ाई लेती हूँ ना बच्चों की, तो कुकिंग एक ही टाइम कर लेती हूँ, रात में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छाट छूट कुछ ऑमलेट, अचार, पापड़ वगैरह बना लेती हूँ। मतलब पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ, और पात्री साहब भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।